अखिलेश यादव जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, चंद्रपाल सिंह यादव जी, इम्तियाज हुसैन जी, अजय सूद जी, मिर्जा करामत बेग जी, अनिल बाटा जी और राहुल राय जी हमारे कैंडिडेट, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, नेता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जब से अखिलेश जी और मेरी दोस्ती हुई है, मोदी जी का मूड बदल गया है। पहले मुस्कुराहट होती थी, अब मुस्कुराहट गायब हो गई है। तो उनको भी पता लग गया है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली। लड़ रहे हैं, आते हैं, स्पीच देते हैं, मगर जानते हैं कि जो हाल बिहार में हुआ था वो अब उत्तर प्रदेश में होने वाला है। आप याद रखना, बिहार का चुनाव हुआ, मोदी जी गए, भाषण किए, हमारे मीडिया के जो मित्र हैं उन्होंने कहा कि बीजेपी की स्वीप होने वाली है। चुनाव खत्म हुए, रिजल्ट आया और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के मुंह से आज तक बिहार शब्द नहीं निकला है। इसी प्रकार चुनाव के बाद, अच्छा इस बार प्रेस वाले भी नहीं कह रहे कि स्वीप होगी बीजेपी की। चुनाव के बाद मोदी जी वापस जाएंगे दिल्ली और आप देख लेना 2019 तक उनके मुंह से उत्तर प्रदेश शब्द नहीं निकलेगा। मैंने यात्रा निकाली उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए। किसानों ने हमें कहा कर्जा माफ कीजिए, बिजली बिल माफ कीजिए और सही दाम दीजिए अनाज के लिए, सब्जियों के लिए। मैं गया मोदी जी के पास, 2 करोड़ किसानों ने हमारे फॉर्म भरे। मोदी जी के पास गया, उनके ऑफिस में गया और उनसे मैंने कहा, मोदी जी हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर लोगों के 50 परिवारों के आपने 1,40,000 करोड़ रुपया माफ किया है। आप ऐसे कीजिए, हिंदुस्तान के किसान कर्जा माफी चाहते हैं। जैसे आपने उनका कर्जा माफ किया वैसे ही आप हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान के किसान का भी कर्जा माफ कर दीजिए। जैसे कांग्रेस पार्टी ने 70,000 करोड़ रुपया आपका कर्जा माफ करके दिया था, याद है आपको? याद है ना? तो मैं गया, मोदी जी बैठे, मैं उस तरफ बैठा हूं, मोदी जी इस तरफ, बीच में मेज, प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी कुर्सी। मैंने उनसे कहा, मोदी जी किसान आत्महत्या कर रहा है, डरा हुआ है, आप उसकी मदद कीजिए, कर्जा माफ कीजिए। अब देखिए मोदी जी का जवाब। मैंने कहा मोदी जी कर्जा माफ कीजिए, उनका जवाब देखिए। मतलब मुंह से एक शब्द नहीं निकला। फिर कुछ दिन पहले आते हैं, यहां आते हैं, कहते हैं मित्रों एक काम करो,
पहले एक चुनाव जिता दो, उसके बाद में मैं कर्जा माफ कर दूंगा किसानों का। मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, अगर आप किसान का कर्जा माफ करना चाहते हो, आप जाओ रेसकोर्स रोड में, अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाओ और उस कैबिनेट मीटिंग में आप निर्णय ले लो, उत्तर प्रदेश का, बाकी हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ कर दो। आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने की कोई जरूरत नहीं। हमने जब कर्जा माफ किया था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं थी। तो मोदी जी जहां भी जाते हैं कोई ना कोई रिश्ता बना देते हैं, सौदा करते हैं, मुझे ये दे दो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मुझे ये दे दो मैं तुम्हें ये दे दूंगा, मुझे प्रधानमंत्री पद दे दो मैं तुम्हें 15 लाख रुपए दे दूंगा, मुझे प्रधानमंत्री पद दे दो मैं तुम्हें 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दूंगा। मेरा आपको 2014 में मोदी जी ने पिक्चर बनाई थी, अच्छे दिन वाली पिक्चर, उसमें मोदी जी ने कहा चुनाव के बाद जगोगे जादू से गंगा साफ हो जाएगी, सब जगह हाईवे लग जाएंगे, हर युवा को रोजगार मिल जाएगा, फैक्ट्रियां लग जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। आपने वो पिक्चर देखी है शाहरुख खान की दिल वाले दुल्हनिया, वो है अच्छे दिन वाली। मोदी जी ने जैसे दिल वाले दुल्हनिया में कहा कि भैया सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वैसे मोदी जी ने हिंदुस्तान को बोला कि भैया अच्छे दिन वाली पिक्चर बनाई। 2.5 साल हो गए, पता लगा पिक्चर का नाम शोले और गब्बर सिंह आ गया। लोगों से कहता है मित्रों एक नया आइडिया आया है, कांग्रेस पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने दबाव डाल रखा है, तो टेंशन आ गया थोड़ा मुझ में, तो एक नया आइडिया है। आप अपनी जेब में देखो, 500 रुपए का नोट है, 1000 रुपए का नोट है, लेगा वो तुम्हारी ईमानदारी की कमाई है। मैं भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता हूं, तो मैंने सोचा कि उस पैसे को मैं कागज में बदल दूं। हमारे प्रेस के मित्र कहते हैं वाह क्या काम किया, क्या काम किया, वाह क्या काम किया। ये लोग भैया इतने घबराए हुए हैं कि अपने अखबारों में सच्चाई भी नहीं बोल सकते। पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि भैया इस मोदी जी ने क्या कर दिया, पता नहीं कहां से इकोनॉमिक थ्योरी निकाल के लाए, दुनिया में ऐसा किसी और ने नहीं किया। बच्चे से भी पूछ लो भैया भ्रष्टाचार से लड़ना है तो क्या करना है, वो भी नहीं कहेगा कि भैया हिंदुस्तान के नोटों को रद्द कर दो। जहां भी जाते हैं रिश्ता बनाते हैं। बनारस गए, कहा मित्रों गंगा मां ने मुझे बुलाया है, मैं गुजरात में था, गुजरात मॉडल का मैं काम कर रहा था, वहां गंगा मां ने मुझे बुलाया, बनारस में बुलाया, मैं आना नहीं चाहता था मगर गंगा मां ने बुलाया तो मैं आया आपकी मदद करने। वाराणसी का बेटा आया है अपनी मां की मदद करने, उनके शब्द हैं मेरे नहीं। अब देखो मोदी जी, रिश्ता जताया नहीं जाता है, निभाया जाता है। बोलने से कुछ नहीं होता है। आपने बनारस की जनता को वायदे किए, ये लिस्ट है मेरे पास, देखो अखिलेश जी सुनेंगे। आपने मेट्रो का काम किया, आपने मेट्रो का काम किया ना, मोदी जी कहते हैं मित्रों बनारस में मेट्रो रेल चलवा दूंगा, बनारस की सफाई कर दूंगा,
गंगा को साफ कर दूंगा, गंगा की घाट को साफ कर दूंगा, हर घर में पीने का पानी दे दूंगा, हर जगह सोलर लैंप लगा दूंगा, शहर के बाद बाहर रिंग रोड लगा दूंगा और बनारस में भोजपुरी फिल्म सिटी बना दूंगा। अब आप मुझे बताइए, बेटे ने मां से वायदे किए थे, आप मुझे बता दो बेटे ने मां के कितने वायदे पूरे किए? एक वायदा पूरा नहीं किया। युवाओं को कहते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे दूंगा, यहां पे बीएचएल कंपनी है, अब सुनो, मोदी जी करते हैं मेक इन इंडिया की बात, कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान में सब कुछ बनाना चाहता हूं, और बीएचएल को कहते हैं देखो भैया हम कॉरिडोर बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, उसमें रेलों की जरूरत है, रेल की जरूरत है, लोकोमोटिव की जरूरत है, हम अमेरिका की कंपनी को देंगे, तुम्हें नहीं देंगे। फिर कहते हैं हिंदुस्तान को थर्मल टर्बाइन की जरूरत है, बीएचईएल के लोग बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं, मोदी जी कहते हैं नहीं भैया हम देंगे तो चीन की कंपनी को देंगे, तुम्हें क्यों दें, तुम कौन हो? पूरे हिंदुस्तान को बता दिया मेक इन इंडिया मतलब, और जब हम अपना फोन देखते हैं, देखो मैं अपने फोन को देख रहा हूं, मैं ढूंढ रहा हूं यहां पे मेक इन इंडिया, मगर मुझे यहां पे मेड इन चाइना दिख रहा है। यहां पे हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, नरेंद्र मोदी जी ने विजय माल्या का नाम सुना है? जानते क्या करता है? हिंदुस्तान में शराब बेचता है, लंदन में पार्टी करता है, सुना है ना? विजय माल्या को नरेंद्र मोदी जी ने आपको लाइन लगाने के बाद, मतलब नोटबंदी के बाद 1200 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया है। आप मुझे बताओ 1200 करोड़ जो उन्होंने दिए, विजय माल्या ने हिंदुस्तान के युवाओं के लिए कितना रोजगार दिलवाया बताओ? एक रोजगार दिलवाया? आप मुझे बताओ अगर झांसी की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में आपने 1200 करोड़ रुपए डाल दिया होता, यहां पे रोजगार मिलता? यहां के युवाओं को फायदा होता? मैं चाहता हूं और अखिलेश जी से मैं कहना चाहता हूं, देखिए अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह चीजें बनाई जाती हैं, उगाया जाता है, माल उगाया जाता है, थोड़ा सा आपको बताता हूं, झांसी की हैंडीक्राफ्ट की मैंने बात की, कनौज का इतर, बरेली में बांस का काम, कानपुर में लेदर, मुरादाबाद में ब्रास का काम, अमेठी में टमाटर, लखनऊ का आम, इलाहाबाद का अमरूद, सब कुछ है आपके पास। मोदी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपए 50 परिवारों का माफ किया, और फिर कहते हैं मेक इन इंडिया, उन 50 परिवारों ने किसी को रोजगार नहीं दिया। जब अखिलेश जी की सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम दूसरे तरीके से काम करेंगे, हम मिर्जापुर जाएंगे और मिर्जापुर में कालीन बनाया जाता है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, हम वहां जाएंगे और युवाओं को ढूंढ के निकालेंगे और युवाओं से कहेंगे भैया इधर आओ, नरेंद्र मोदी जी ने 1,40,000 करोड़ रुपया इन 50 लोगों को दिया है, हम तुम्हें देना चाहते हैं पैसा, एक शर्त पे, तुम्हारी फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं? 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हें सड़क चाहिए हम तुम्हें सड़क देंगे, पास में एयरपोर्ट चाहिए हम तुम्हें एयरपोर्ट देंगे,
चाहिए, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का चाहिए बैंक लोन, मगर एक शर्त पे। विजय माल्या ने 1200 करोड़ रुपए में एक युवा को रोजगार नहीं दिया, तुम्हें हम 15 लाख रुपए का बैंक लोन देंगे, तुम अपनी फैक्ट्री में 200 युवाओं को रोजगार दो। मतलब जो नरेंद्र मोदी जी ने उन 50 परिवारों को दिया 6 लाख करोड़ रुपया, उसका अगर हमने छोटा सा भी भाग कानपुर में लेदर इंडस्ट्री को दे दिया, यहां पे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को दे दिया, लखनऊ में जो आम उगाते हैं उनके उनको दे दिया, उनको फूड प्रोसेसिंग प्लांट दे दिया, उनके पास एयरपोर्ट लगा दिया, तो एक ऐसा दिन आएगा जब अखिलेश अमरीका जाएंगे, वहां पे वो एक जैकेट खरीदेंगे और जैकेट के पीछे देखेंगे मेड इन कानपुर। ओबामा साहब अब प्रेसिडेंट नहीं है, समय है उनके पास, जैसे जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो समय होगा उनके पास, ओबामा जी आम खरीदेंगे, जब वे देखेंगे मेड इन लखनऊ। और एक ऐसा दिन आएगा जब अखिलेश जी या मैं अपने फोन पर देखेंगे लिखा होगा मेड इन चाइना में, मेड इन उत्तर प्रदेश। ये काम हम कर सकते हैं, हम यहां उत्तर प्रदेश का टाइम जाया नहीं करना चाहते और हम आपसे झूठे वायदे भी नहीं करेंगे। अखिलेश ने यहां स्पीच दी, उसने आपको यह तो नहीं कहा ना कि 15 लाख रुपए पकड़ा दूंगा, झूठा वायदा तो नहीं किया ना, और अपने काम के बारे में बोला ना। मोदी जी आएंगे उनसे पूछ लेना, भैया भाई ने सब ठीक है काम किया, किया तुमने पिछले 2 साल में। और मेरा एक सुझाव है, अखिलेश और मैं मोदी जी की मदद करेंगे, अब मैं आपको बताता हूं कैसे। मोदी जी सब कुछ अपने आप करते हैं, अमेरिका जाते हैं सुषमा जी को नहीं ले जाते, अकेले जाके ओबामा जी के साथ मीटिंग करते हैं, उत्तर प्रदेश आते हैं तो उनके नेता नहीं आते, वो आते हैं स्टेज पे अकेले आते हैं। नोटबंदी की बिना किसी से पूछे किया, तो अभी एक व्यक्ति इतनी चीजें कर रहा है, थकान तो होगी, थोड़ी सी थकान तो होगी ना, तो हम क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को फिर से सीएम बनाएंगे और थोड़ा सा काम मोदी जी की थकान थोड़ी कम करेंगे और फिर 2019 के बाद मोदी जी फुल टाइम रिलैक्स कर सकेंगे। सीट पर सीट रिलैक्स, और जितना वो दौरा करना चाहे, अमेरिका का, चाइना का, जापान का, सब कर पाए। आप यहां आए बहुत अच्छा लगा, आपने इतने प्यार से मेरी बात सुनी, यहां समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी की लाल टोपियां दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस के झंडे दिखाई दे रहे हैं। अब ये हमारी सेना है, अब हमारे सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, जैसे अर्जुन से पूछा भैया तुम्हें क्या दिख रहा है, मुझे सिर्फ आंख दिख रही है, अब ये जो भीड़ है आपको सिर्फ आंख दिखनी चाहिए, आंख क्या है, नरेंद्र मोदी जी को समझाना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों की सरकार आएगी, मजदूरों की, युवाओं की सरकार आएगी, रोजगार देने वाली सरकार आएगी और हम सब की सरकार आएगी। मोदी जी आप उत्तर प्रदेश में नफरत नहीं फैला सकते हो, आप उत्तर प्रदेश को बांट नहीं सकते हो, हम आपको यहां हरा के दिखाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।